अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान। वीडियो स्टार्ट इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि एक अपडेट ये है कि मेरा इस्तांबुल कार्ड घूम गया है। मैं यहाँ द लेजेंडरी वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल देखने आया था और इस्तांबुल कार्ड घूम गया, तो अब मैं यहाँ से वापस जाने के लिए बस वगैरह नहीं ले पा रहा हूँ, ना मेट्रो ना कुछ भी चीज़। और दिक्कत ये है कि वो कार्ड के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। बस मैं अभी वेट कर रहा हूँ यार, ऐसे किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, मैं किससे पूछूं कि कहाँ से कार्ड परचेज होगा, क्योंकि वहाँ तो जहाँ मैंने रूम लिया है सुल्तान अमित, वो मेन मतलब इस्तांबुल का टूरिज्म सेंटर है, तो वहाँ पे तो मिल जा रहा था, अब यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा है आसपास। देखें यहाँ पे इतनी भीड़ है, मैं करीब आधे घंटे से लोगों से पूछ पूछ के ट्रांसलेट कर करके परेशान हूँ, लेकिन खैर देखते हैं, अल्लाह ताला कोई हल निकालेगा। एक घंटा बचा इफ्तार में, लेट्स सी। अब मैं 3-4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ और यहाँ से 7 किलोमीटर और दिखा रहा है, मेरे में ताकत नहीं है यार, अभी इफ्तार भी करनी है। या तो मैं यहाँ एक घंटा वेट कर लूँ पहले इफ्तार कर लूँ, या फिर मैं चला जाता हूँ। चला कैसे जाता हूँ, वही तो दिक्कत है, कार्ड मिले तब ना जाऊँ। 40 मिनट रह गए, तो अल्लाह के भरोसे वेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सब मुझे देख रहे हैं कि भाई कर क्या रहा है अभी। यार किसी को थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती यार, मतलब स्ट्रेट राइट लेफ्ट शॉप इतना भी तो नहीं बोल पा रहे, मैं क्या बताऊँ, वो भी इस्तांबुल जैसे शहर में। चले मज़ा आ रहा है, इसके भी अलग ही मज़े, फंसने के भी अलग ही मज़े हैं, फ़ोन में चार्ज भी कम है उसके और ज़्यादा अलग मज़े हैं, ज़्यादा मज़े लेने में मेरे लग ना जाए, बस ये दिक्कत है। खैर अल्लाह का शुक्र है इस्तांबुल कार्ड ही घूमा, पर्स वगैरह तो मैं कार्गो पॉइंट में यहाँ पे रखता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ट्रैफिक भी इतना हैवी है यहाँ का, खैर उस बंदे ने बता दिया, अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं भाई, लाल है सिग्नल फिर भी चल रहे हैं लोग, सही है। देखो लाइन से यहाँ खाने की शॉप्स हैं, और ना ये पैम्पलेट बांट रहे हैं इफ्तार का। इफ्तार बंदा कर ले, हौसला हो जब मिल जाए तब ना। और ये क्या है यार, एक मिनट दिखाता हूँ, ये क्या है, एक गाड़ी है जो क्रैश हो गई थी, उसको एक कवर में डाल दिया है। कोई बहुत लेजेंडरी आदमी मरा था क्या? ये कुछ लिखा है, दिस व्हीकल वॉज क्रश्ड बाई अ टैंक यूज बाई कॉप प्लॉटर्स अंडर बिरकिल ब्रिज कनेक्शन TM हाईवे टू बस स्टेशन ऑन July 15 अटेम्प्ट नाइट। पता नहीं यार क्या मसला है, पता नहीं, अल्लाह जानता है। खैर छोड़ें, मेरे को अपना कार्ड, हाँ ये आ गया, ये बिल्डिंग यहाँ से कार्ड लेना है, अभी मिल जाए बस। चलो यार, रमज़ान का कोई प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। कार्ड कहाँ से लिया? ये है वो इस्तांबुल कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा था। अब मैं बताता हूँ, ये कार्ड जो है 50 लीरा का है, ठीक है। और वहाँ जहाँ मैं गया था, जहाँ मैं ट्राई कर रहा था, तो वहाँ ना ATM कार्ड से पेमेंट हो रही थी, ना वहाँ कैश मेरा एक्सेप्ट कर रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। एक बंदा आया, उसने अपना कार्ड दिया मुझे, अभी इस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, नाम वाम नहीं चढ़ता, ये ऐसे ही मिल जाता है। तो उसने अपना कार्ड दिया, मतलब ये 50 लीरा का कार्ड उसने मुझे फ्री में दिया, प्लस उसने मुझसे नोट लेके इसमें कैसे भी कैसे उस नोट को मशीन में घुसा के 100 लीरा का रिचार्ज किया। भाई बहुत अच्छा जेस्चर था वो, मैं उसको देने लगा 50 लीरा, तो कहता है रखो यार क्या करोगे, टर्किश में ही बोल रहा था, इंग्लिश तो फिर भी कोई नहीं आती थी उसे। ये वही मस्जिद वाली गली है, वो मस्जिद जो हज़रत अय्यूब अल अंसारी के मज़ार के पास है, जो जिसे अय्यूब सुल्तान मॉस्क भी कहते हैं टर्किश में, ये वो गली है। यहाँ अभी जस्ट इफ्तार का टाइम होने वाला है, लेकिन अभी 40 मिनट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने रूम के पास चला जाऊँ, वरना यहाँ पे भी इफ्तार ट्राई किया जा सकता है। वैसे ये भी टूरिज़म वाली जगह है, तो यहाँ पे भी महंगा ही होगा खामखा, लेकिन ठीक है। अच्छा जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, आप कहीं की भी लोकेशन डालो, भले ही आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो, वो ऐसा दिखाता है कि थोड़ा दूर पैदल जाए वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें। टर्की में ऐसा है, अगर तो एग्जैक्ट वहाँ नहीं खड़े हो जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसी का दिखा देगा नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई इस चक्कर में इतनी परेशानी हो रही है, मैं 15 मीटर दूर आ जाऊँ बस स्टैंड से दिखा देता है नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर ढूंढना पड़ता है कौन सा अप्रोप्रिएट जो है बस स्टैंड है। और भीड़ तो यार क्या बताऊँ मैं, यार जाऊँ कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, फुटबॉल भी चालू है, सब कुछ है।
डाली मेरे को चाहिए हो ये टर्किश चाय स्पेशल, ठीक है। और उसके बाद ये मिठाइयों की दुकान है, जितनी भी टर्किश मिठाइयाँ होती हैं। अब आप लोग को लगेगा कि जनरली जो स्ट्रीट फूड व्लॉग दिखाते हैं उसमें खा खा के दिखाते हैं, तो भाई पॉसिबल नहीं इतना खाना खाना यार। अभी इफ्तार का वक्त भी नहीं हुआ है, मैं इतना खा भी नहीं सकता। मैं बहुत लिमिटेड खाता हूँ, मैं मतलब नॉन वेज आइटम कबाब या फिर इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, ये सब मैं नहीं कर सकता कि मिठाई खाना। और ये टर्किश आइसक्रीम फेमस, दिस 135 एंड वन मोर शो, वन मोर या गुड, बट आई विल टेक दिस वन, ओके 35 नो सिंगल 35 वेट थैंक यू। ये दिया उसने 35 लीरा का, ठीक है यार, बेचारा गरीब सा बंदा था, मैंने उसे 50 लीरा दे दिया, मतलब करीब करीब समझे आप 220-230 रुपए का। इतना ज़बरदस्त इत्र है ना, इससे पहले भी मैंने एक लिया था, ये भी एक लिया है मैंने, अच्छा है यार, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस के स्टॉप पे चल के, आप लोग को लगेगा टैक्सी क्यों नहीं कर ली, भाई टैक्सी में दिखा रहा है 45 मिनट और पैदल दिखा रहा है 42 मिनट, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार इस्तांबुल का, मैं क्या बताऊँ, तो दिख ही रहा होगा पीछे आप लोगों को। ये आ गई बस, देखो कार्ड कैसे स्कैन करना होता है, कार्ड यहाँ रख दो, हो गया बैठ जाओ सुकून से आके। कार्ड में सब अपना वॉलेट में ही रखता हूँ, पिछली वाला कार्ड इसलिए घुमा क्योंकि मुझे 3-4 बस और ट्रेन चेंज करनी थी, तो वो मैंने ऊपर वाली पॉकेट में रखा था, और शायद फ़ोन निकालते समय गिर गया होगा या फिर मस्जिद में वजू करते वक्त गिरा होगा, मुझे याद नहीं कहाँ गिरा है, ठीक है यार मिल तो गया एटलीस्ट। अच्छा अब एक और छोटी सी गड़बड़ ये हुई कि ये बस उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं नंबर देख के चढ़ गया, क्योंकि इंडिया में लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला वो कन्फ्यूजन था मेरे दिमाग में था, मैं लेफ्ट साइड पर खड़ा था, मुझे लगा कि यह सीधा जाएगी, और यार मैं वीडियो बनाने के चक्कर में देख नहीं पाया कि वो उल्टी आ गई। खैर कोई मसला नहीं है, और अभी रिग्रेट करने की क्या बात है यार, इस्तांबुल में है, यहाँ तो कहीं पे भी जाएं तो सीन ऐसे होते हैं कि यार बंदा उम्मीद करता है काश आया होता। मैं अभी दिखाता हूँ, देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ये पूरा पहाड़ है उस पर कब्र है, ठीक है वो तो छोड़ो, यहाँ देखो यहाँ से फेरी ले सकता हूँ, बोट ले सकता हूँ, बीच में मेट्रो, वो देखो मेट्रो चल रही है, मेट्रो ले सकता हूँ, वैसे मैं जाऊँगा थोड़ी देर वहाँ बैठूँगा जाके, क्योंकि अच्छा सा सीन दिख रहा है। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा मैं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ, मैं तो स्ट्रीट फूड के ऊपर व्लॉग बनाने की सोच रहा था, जितनी गड़बड़े मैंने कर दी अभी तक, मैं कोई हक नहीं बनता कि मैं स्ट्रीट फूड वाला या व्लॉगिंग वाला इसका टाइटल रखूँ। खैर वो सब छोड़ें, आप ये देखें सीन नज़ारे, अल्लाह अकबर, ये मतलब क्या करोगे, क्या कहोगे यार, कितनी तारीफ़ करोगे शहर की, अल्लाह ने इसको इतनी खूबसूरती दी है, यहाँ फिर बंदा आता है ना टूरिज़्म के लिए, सच में यार यूरोप फेल है इसके आगे, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इससे खूबसूरत शहर नहीं विज़िट किया, वो मैं हर वीडियो में नहीं कह रहा होता हूँ, पहले अंडोरा में मैंने कहा था क्योंकि मैं जहाँ तक ट्रैवल किया था अंडोरा वॉज़ बेस्ट, बट अब अंडोरा के बाद यहाँ के, हो सकता है अल्लाह ताला इससे भी अच्छी जगह पहुँचा दे, तो वो फिर वक्तन वक्तन बदलता रहता है। फिलहाल अभी यहाँ से रूम जाने का बंदोबस्त करना है, अभी फिर से देखना होगा कौन सी बस लेके जानी है, देखते हैं फिर से देखते हैं, फिर गलती होगी कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, कभी कभी गलती होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो मैं उल्टी बस नहीं पकड़ता तो मैं यहाँ नहीं आता, और यहाँ मैं नहीं आता तो ये केबल मिस कर देता, ये केबल से वो वहाँ ऊपर तक जा रहा है, दिख रहा है क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये देखो देखो जा रहा है ना, ये मैं जा रहा हूँ अभी लेने, ठीक है जितना भी इसकी टिकट हो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो कहाँ से इसकी एंट्रेंस, अच्छा उस तरफ से, ये देखें केबल कार, ये इस्तांबुल कार्ड चल गया, वही 9 लीरा की टिकट है, 9.5 लीरा की, 9.90, हर जगह की सेम ही टिकट है, मेट्रो लो, ट्रैम लो, बस लो, 9.90 या 9.50, तो देखो यार ऊपर जा रही है, मुझे नहीं पता राउंड ट्रिप है या फिर
सिर्फ जाने का है, लेकिन देखते हैं, अच्छा तो लग रहा है देखने में अभी। वो देखो वहाँ, यहाँ कब्रिस्तान है कब्रे लाइन से, और ये वो स्टॉप है जहाँ पे मैं गलती से आ गया था। सही है यार, अच्छा एक्सपीरियंस। अब हम लोग जमीन से बहुत ऊपर आ चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें कितनी हाइट पे, वहाँ से आ गया केबल कार से, ये स्टेशन से एग्जिट होके देखें यहाँ से इस्तांबुल ऐसा दिख रहा है। अच्छा ऊपर जो है लाइन से रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो इफ्तार तो आज यही होगी। चलता हूँ। मान लिया आपके पास इस्तांबुल कार्ड नहीं है, फिर उसमें पैसे नहीं है, तो यहाँ मशीनें होती हैं, यहाँ से हो जाएगा वो चीज़। यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है। कैश पेमेंट में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि यहाँ नोट जो है इंडिया की तरह होते हैं कागज़ के, फिर वो मुड़ उड़ जाते हैं तो मशीन लेती नहीं है। इफ्तार करने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया था, तो उनको लेट हो रहा था ना अभी, उन्होंने मुझे सूप दिया है। मैंने चिकन ये वाला ऑर्डर किया था, ग्रिल चिकन पोर्शन वाला, तो उन्होंने सूप दिया है कि यार हमें लेट हो रहा है, और साथ में ब्रेड भी ला दिए। यहाँ पे हर जगह ब्रेड आपको फ्री देते हैं, तो जब मेन खाना आएगा तो बताऊँगा वो कैसा है। ठीक है, अभी ये खाता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो ऑर्डर किया था वो चिकन के अलावा, ये इसको क्या बोलते हैं, कुछ कोफ्ता है ये, तो कोफ्ता है ये। ठीक है, सूप बड़ा शानदार है, इसके ग्लास का डिज़ाइन भी अलग ही सा होता है, कुछ टर्किश टी है ये, खाना खाने के बाद आई है, और साथ में शक्कर है, पी है मैंने इससे पहले भी, बहुत टेस्टी होती है। वो क्या हुआ था कि मैं केबल कार पे जब ऊपर गया था है ना, तो वहाँ से अब यार मुझे रास्ता नहीं मिल रहा नीचे आने का, और इतनी रात हो गई, पूरा कब्रिस्तान है चारों तरफ, तो बहुत अजीब सा एक सीन हो गया था। मैं तो मतलब सोच रहा था यार चलो 10-11 बज जाएगा, देन एक भाई आ गए टर्की से, एंड से हेलो टू माई व्यूअर्स। या तो इनको इंग्लिश आती है इत्तेफाक से, अदरवाइज टर्की में इंग्लिश नहीं चलती, तो इन्होंने थोड़ी देर मुझसे बातचीत की। वैसे ही रेस्टोरेंट में मिले थे, बातचीत अच्छी खासी हुई थी। ये कुछ किताब लिख रहे हैं, एक वेबसाइट डेवलप भी कर रहे हैं, तो और वो भी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पर लिख रहे हैं। मुझसे काफ़ी देर बात की तो अच्छी वाइब मैच हुई, तो मैं आ रहा था तो इत्तेफाक से मुझे मिल गया। ये मुझे कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरी कार यहीं पर पार्क है। मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो यही है।